ट्रस्ट मी गाइस, अगर आपने ये खीर की रेसिपी देखकर एक बार खीर बना ली ना, तो घर में सब आपकी तारीफ करेंगे। ऐसे लगेगा जैसे आप खीर नहीं रबड़ी खा रहे हो। तो एक बार रेसिपी को पूरा देखना, बहुत पसंद आएगी। एक बार ट्राई जरूर करना, बहुत टेस्टी बनती है। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? देखिए, मेरे किचन में अभी भी कितनी धूप आ रही है। यहाँ विंडो है, विंडो से पूरी धूप मेरे मुंह पे आ रही है। 5:30 का टाइम हो रहा है, फिर भी धूप आ रही है। मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि मैं अभी किचन में आऊँ, मगर मुझे बनानी है खीर। खीर बनाने में लगता है मुझे टाइम, मैं वो जल्दबाजी वाली खीर नहीं बना सकती। मुझे खीर चाहिए बिल्कुल ऑथेंटिक फ्लेवर में। खीर का ऐसा फ्लेवर आता है कि खीर लगती है जैसे हम खा रहे हैं रबड़ी। तो आज मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। खीर बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक पतीला जो हो मोटे तले का, थोड़ा भारी होना चाहिए। उसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी और हम लेंगे 2 लीटर दूध। मैं 2 लीटर दूध में बना रही हूँ। इसे हम इस तरह से काट लेंगे, पूरा नहीं काटेंगे, नहीं तो ये छोटा पार्ट है ना, इधर उधर गुम हो जाता है, नाली में फंस जाता है या कूड़े में डालते हैं तो जानवरों के मुँह में जाता है। और पानी इसमें डाल के थोड़ा सा खंगाल के डाल लेंगे। कौन कौन ये करता है कि पैकेट में से दूध डालने के बाद उसमें पानी डाल के खंगाल के अपने दूध में मिक्स करता है? मैं तो ज़रूर करती हूँ, क्योंकि दूध काफ़ी लगा होता है पैकेट में। मैंने दोनों थैली दूध इसमें डाल दिया। अब हम इसे गैस पर उबलने के लिए रख देंगे। एक उबाला आने देंगे इसे हम। और ये देखिए, मैंने 1/4 कप + 2 टीस्पून चावल लिए थे, उसे मैंने 2 घंटे पहले अच्छे से साफ़ करके गर्म पानी में भिगो दिया था। ये देखिए, हमारे दूध में उबाला आ गया है और इसमें से हम पानी निकाल के चावलों को इसमें डाल देंगे। चावलों को अगर आप भिगो कर बनाते हैं ना, तो बहुत अच्छी खीर बनती है। चावल हमें बासमती राइस नहीं लेना है, हमें जो टुकड़ा चावल होता है ना, जो किनकी वाला होता है जिससे हम खिचड़ी बनाते हैं, वो वाला चावल लेना है और इसको हम इसमें डाल देंगे। क्योंकि अगर हम मोटे वाले चावल लेते हैं ना, तो उसमें वो टेस्ट नहीं आता खीर में जो ये टुकड़ा चावल से आता है, क्योंकि चावल घुल जाने चाहिए ना कि मुंह में आने चाहिए। ये देखिए, खीर को उबलते हुए थोड़ी देर हो गई है। खीर को ना आप मीडियम गैस पर रख दो और बीच बीच में हिलाते रहें। जैसे बीच बीच में आके आप 5-5 मिनट बाद इसको हिलाते रहें। मैं कहती हूँ टाइम तो ज़रूर लगता है, मगर बहुत टेस्टी खीर बनती है। मेरे हस्बैंड को तो इतनी पसंद है, वो किसी के हाथ की खीर खाना इतना पसंद नहीं करते जितना मेरे हाथ के खाना पसंद करते हैं। वो तो कहते हैं हर 15 दिन में खीर बननी चाहिए, उन्हें इतनी पसंद है। आप भी एक बार ज़रूर बना के खिलाना, घर में तारीफ होने वाली है। मेरे हाथ की खीर तो सब बहुत तारीफ करते हैं। ये देखिए, खीर को हमने अच्छे से उबाल लिया सिम गैस पर और बीच बीच में हम इसे हिलाते रहे। और ये जो चावल है ना, इसको हल्का हल्का मैश करते जाएंगे ताकि मुँह में बिल्कुल दाने ना आए, एकदम घुल जाए हमारे चावल, तभी हमारी खीर लगेगी कि हम खा रहे हैं रबड़ी। और देखिए, दूध उबल उबल के आधा हो गया है। इसको बीच बीच में इस तरह से उबालते रहेंगे और साइड की मलाई भी उतारते रहेंगे ताकि ये एकदम रबड़ी का फ्लेवर आए। इसके अंदर मैं 3-4 इलायची के काले बीज निकाल के कूट कर डाल रही हूँ। फ्रेश कूट कर ही डालें, रखा हुआ पाउडर ना डालें, जो अपने पीस रखी हुई इलायची वो ना डालें, क्योंकि इसका अलग ही फ्लेवर आता है एकदम, अगर हम फ्रेश कूट कर डालते हैं तो। इसे उबालते जा रहे हैं हम। इसके अंदर मैंने डाल दी केसर, केसर है ऑप्शनल, आपके पास तो डालें, नहीं तो ना डालें। ये देखिए, खीर पहले से कितनी गाढ़ी हो गई है, दूध उबल उबल के आधा हो गया है और साइड की मलाई भी मैं उतार उतार के इसमें डालती जा रही थी, जिससे ये एकदम टेस्ट में रबड़ी की तरह लगेगी। और चावल को देखिए इस तरह से मैश करते हुए मिक्स कर दें ताकि दूध में एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए। आपको लग रहा होगा कि खीर काफ़ी गाढ़ी हो गई है, ये गाढ़ी नहीं हुई है। इसमें हम डालेंगे 1 कप चीनी, बाकी आप अपने हिसाब से मीठा डाल सकते हैं जितना आप खाना पसंद करते हैं। चीनी अब अपना पानी छोड़ेगी और खीर हो जाएगी पतली। ये देखिए, इसे हम उबाल लेंगे। अब हमने चीनी डाल दी है तो अब हमें इसे रेगुलर हिलाते हुए उबालना है। अगर आप इसे छोड़ देंगे तो ये नीचे लग जाएगी, इसलिए जब आप चीनी डालें तो इसको हिलाते रहें। अब हम इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट। ये मैंने बादाम, काजू और किशमिश को इसमें डाल दिया। काजू और बादाम को मैंने बारीक बारीक काट लिया था और इसमें हम मिक्स कर देंगे। और ये देखिए, हमारी एकदम टेस्टी खीर रेडी हो गई है। गैस मैंने बंद कर दी है और जब ये ठंडी होगी ना, ये एकदम गाढ़ी हो जाएगी, बहुत टेस्टी लगती है। आप इसे एक दिन पहले ही बना कर रख दें और फ्रिज में रखें और फिर खाएं, खाने में मज़ा आ जाएगा। ऐसा लगेगा आप ठंडी ठंडी रबड़ी खा रहे हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना और इसकी पिक्स मेरे साथ शेयर करना। खाकर अगर मज़ा ना आए तो मुझे कहना। थैंक यू सो मच।